मतदान के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे समय में कोई भी राजनीतिक दल छोटी से छोटी गलती नहीं करना चाहता, लेकिन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा को ये बात शायद समझ में नहीं आती। वो अक्सर ही ऐसे बयान दे देते हैं जो कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन जाते हैं। सैम पित्रोदा से कांग्रेस ने हालांकि किनारा कर लिया है, लेकिन उनके बयान अभी भी कांग्रेस के लिए गले की फांस बने हुए हैं। ये कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आजादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। में से कोई सैम पित्रोदा के बयान के साथ सहमत है? नहीं। कांग्रेस ने इसका खंडन किया, हमने घोर निंदा की। भारत की विविधता के बारे में किसी को इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम मिला करके भारत नाम की माला बनती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, कल मैं कुछ लोगों का रिएक्शन देख रहा था, मणिपुर इसी देश की विविधता का हिस्सा है या नहीं? साल भर से वहां तांडव मचा हुआ है, लड़कियां नग्न घुमाई गई। मैडम, द कांग्रेस माइंडसेट एंड कांग्रेस थिंकिंग, इट बिलीव्स इंडिया इज अ लैंड ऑफ इन्वेडर्स। People have come from different parts of the world. They've invaded our country and we are descendants of invaders. That's why he mentions like this in a very sexist, crass and a very abusive thing. There's nothing wrong in looking like African. There's nothing wrong. There's nothing wrong in looking like a Chinese. It's okay. But what the connotation is saying that we are descendant of this people. We are not Bharatiyas. We are not inhabitants of this land. I'm not saying comparing south to Africans we are getting. No, Africans are important. They are their own people. We are our own people. और तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आलोक जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। आलोक जी, सैम पित्रोदा का कांग्रेस में क्या कद है, उनकी क्या भूमिका है, क्या बैकग्राउंड है, वो सब जानते हैं, लेकिन इस बीच ये एक बड़ा मसला हो जाता है कि वो किन कंडीशंस में क्या बोलते हैं। अब उनका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ बैठ कर क्या बात करते हैं, लेकिन उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये साफ तौर पर अब कांग्रेस के भविष्य में सामने भी आ चुका है। क्योंकि कांग्रेस पे अपने ही, जैसे कहते हैं ना, कुल्हाड़ी मारना, जहां पर अपना डाल पे बैठे हैं उसी पर गुल्हाड़ी डालते हैं। और उसी तरह के काम सैम पित्रोदा आज से नहीं कर रहे। सैम पित्रोदा, हाँ, सूचना क्रांति के, वो अमेरिकन सिटीजन बन गए थे भारत से जाने के बाद। फिर भारत में जब पद मिलने आया, सत्ता मिलने आई, कांग्रेस को आ गई तो वो यहाँ आ गए, फिर सत्ता चली गई, फिर वापस चले गए। तो उनका एक अमेरिकन माइंडसेट है और उससे राहुल गांधी इतना प्रभावित, और उनके जयराम रमेश भी उसी तरह के। अभी कल तो इस स्टेटमेंट को वो नहीं, उन्होंने डिनाई किया। आज वो ओवरसीज कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा उनका दे दिया, इस्तीफा ऐसा स्वीकार। अरे वो संरक्षक हैं, वो पार्टी के गाइडेड हैं, उनको आपको पद की जरूरत ही नहीं है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, तब भी प्रधानमंत्री से ज्यादा सुपर प्रधानमंत्री थी। सैम पित्रोदा किसी पद पर न होते हुए भी बिजनेस के लिए, परिवार के लिए, राजीव गांधी के मित्रता से लेकर के भारत के नॉलेज कमीशन के कैबिनेट मंत्री का दर्जा भारत का रहा है उनका। भारत के बारे में ये समझिए जो भारत के नॉलेज कमीशन में क्या क्या उनकी रिपोर्ट है, कहाँ लागू की गई, वो खाली सत्ता के लाभ के लिए है। कर्नाटक बने वो देखिए, इसलिए मेरा मानना है कि उन्होंने किया, उनका प्रभाव अभी भी है, रहेगा। और यदि कभी भी सपने में
दीदी सत्ता में आने का जो सपना देखा गया है, कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री या उसका सहयोगी के प्रधानमंत्री बना तो आप सैम पित्रोदा को दिल्ली में राज करते हुए देखेंगे। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ प्रोफेसर मनोज जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।